नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 के बारे में। सबसे ज्यादा मेरे पर कमेंट यही आ रही थी कि सर, यूपी बोर्ड का रिजल्ट 2023 में कब जारी होने वाला है, हमारी कॉपियों का मूल्यांकन यहाँ पर कितना हो चुका है, कितनी कॉपियाँ बाकी बची हुई हैं, ताकि जल्द से जल्द मूल्यांकन पूरा हो जाए और हमें रिजल्ट जारी कर दिया जाए। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट की न्यूज़ क्या है और कब तक आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने गूगल पे साधारण से टाइप किया है यूपी बोर्ड रिजल्ट न्यूज, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड के जो भी रिजल्ट की न्यूज है वो यहाँ पर सारी आ चुकी है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लेटेस्ट लाइन से लगी हुई है, और यहाँ पर देखिएगा एक न्यूज मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है जो कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के द्वारा रीड की गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड में जो मूल्यांकन है वो यहाँ पर 2.36 करोड़ पुस्तकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर 82 लाख शेष बाकी हैं, और इनका जब भी मूल्यांकन कंप्लीट हो जाएगा उससे आपके 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट जारी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और भी इन्होंने जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप लोग इसे भी रीड कर सकते हैं। साथ में आप लोग और भी चीज चेक कर सकते हैं, जैसा कि आपका जो भी रिजल्ट जारी होगा यूपी बोर्ड का, और जब भी जारी होगा तो हम आपको चैनल के माध्यम से सूचना देंगे। बाकी आप लोगों को बता दें, आप लोग भी अपने यूपी बोर्ड के रिजल्ट की न्यूज खुद से भी चेक कर सकते हैं। गूगल पे साधारण से डालेंगे यूपी बोर्ड रिजल्ट न्यूज तो आपके सामने जो भी लेटेस्ट न्यूज होगी वो आपके सामने शो हो जाएगी। लेकिन इस समय की जो लेटेस्ट न्यूज यही है कि 2.3 करोड़ का मूल्यांकन कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी 82 लाख पुस्तकाएं अभी बाकी है, जल्दी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो 15 मिनट पहले फिर से एक न्यूज जारी कर दी गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कल 82 लाख का था, और आप लोग देख सकते हैं अब यूपी बोर्ड में 58 लाख अभ्यर्थियों का समाप्त हुआ इंतजार, अंतिम चरण में कॉपियों का मूल्यांकन बाकी है। साथ में आप लोग यहां पर इसकी पूरी गाइडलाइन को रीड कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है, रिजल्ट की घोषणा यूपी बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट पर की जाएगी। साथ में देखिएगा रिजल्ट तैयार करने का काम में लगी हुई है, और साथ में आप लोग यहाँ पर और देखिएगा कि आपका 1 अप्रैल 2023 को यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 घोषित करने की मूल्यांकन हो जाएगी, और आपकी कॉपियों का 18 मार्च 2023 से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो मूल्यांकन है वो यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो इसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर यूपी बोर्ड के रिजल्ट की न्यूज को चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो न्यूज है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है, लेकिन इसके अलावा अभी रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है कि कब आपका रिजल्ट जारी होगा, कब आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, कब आप लोग खुद से चेक कर पाएंगे। तो फाइनली जब भी आपका रिजल्ट आएगा हम आपको चैनल के माध्यम से सूचना देते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।